के साथ साथ गुरुद्वार का भी रक्षा कर रहे हैं। मनदीप जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। हवलदार कमलदीप जी ने काफ़ी कुछ हमें बताया है। ये हमारा होम स्टे, हमारा रूम ये है ना कि ऊपर है यहाँ पे। मैं अपने लाइफ में ना फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गुरुद्वारा। और सिर कट के हाथ में पकड़ते ही लड़ते हुए, और गोल्डन टेंपल में इनकी जगह है। हाँ, कितने लोग आ चुके हैं अभी तक, तो प्लीज़ इन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, जो भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं, उनको भी वहाँ पे देख रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये हमारा होम स्टे, यहाँ को ये रेस्टोरेंट का नाम क्यों? उडल टासी दिले। उडल टासी दिले, टासी तेले। अच्छा, हेलो गाइस, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो में इस ब्लॉग के आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बैग ले लिया है और रेडी हो चुका हूँ, और यहाँ मेरे साथ वीडियो वन भी रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? अच्छा, आगे गुरुद्वारा है, तो देखते हैं, मतलब जो भी मिलता है हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। और बने रहे वीडियो में, तो मेचुका का और भी कुछ दिखाने बाकी है, वो सब भी देख लेंगे। चलिए वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम होटल से निकलते हैं, तो बाय बाय भाई। तो अब निकलते हैं बाहर फटाफट, उसके बाद बाहर का वेदर भी आज अच्छा है, धूप है, होप ऐसे ही बने रहे। तो कल आज और भी दो गाड़ियाँ आ चुका है यहाँ पे, और हमारा होम स्टे यही है। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद होम स्टे भी। तो होम स्टे का लोकेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये एयरपोर्ट का, ये आप दिख रहे हैं ना मेचुका लिखा हुआ है, इसके पीछे ये होम स्टे, ये रहा। कभी आप लोग आते हो तो यहाँ पे जरूर स्टे करना। ये है चोनजोम रेस्टोरेंट, ये हमारा होम स्टे, हमारा रूम ये है ना कि ऊपर है, वो है कि ये एडियो है ना। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला था, चलो ठीक है। तो आप लोग देखो बता चुके हैं, और इसीलिए सारा जो सीनरी है ना आपको पूरा परफेक्टली क्लियर दिखाई देगा। एक बार पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, इसी वे हम गए थे, ये हमारा एयरपोर्ट है यहाँ का। तो इसी वीडियो में तो उस समय तो उस वाले वीडियो में अलग लोकेशन था, मतलब अलग चीज़ था डेस्टिनेशन, अभी आपको अलग दिखेगा। तो यहाँ पे घोड़े कैसे दिखाई दिया, हमारे ब्लॉग में घोड़ा दिखाई दिया। यहाँ पे घोड़ा ना आपको दिख गया, बहुत सारा है, मैंने दिखाया है अभी तक बहुत सारा है, मैं तो उनके साथ आपको घोड़ा भी इतना दिखाई दिया। तो दोस्तों इस वे आके हम लोग सुबह यहाँ गए थे, इस वाले नगरी में गए थे। अभी हनुमान टेम्पल और गुरुद्वारा जो है हनुमान टेंपल और गुरुद्वारा जो है हमें इस वे में मिल गया, और ये पूरा आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए हम, और ये कल वाला थार हमारे साथ आया था ना भैया लोग, वही है। चलो यहाँ पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी शराब लाना तथा सेवन करना सख्त मना है। तो गुरुद्वारा साहिब में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये छोटा सा रूट है, और बिल्कुल इधर खाली 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 जंगल जंगल लग रहा है, लेकिन होप कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों ये है गुरुद्वारा, यहाँ पे झरना आप देख सकते हो। तो फाइनली गुरुद्वारा हम पहुँच चुके हैं। यहाँ का कुछ नियम है कि आपको जूता वगैरह खोलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है माथे में ये बांधना पड़ेगा, बांधा है तो ये गुरुद्वारा का जो नियम है वो आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे जो लोग हैं, जो भैया आए थे दो, तो काफ़ी अच्छे हैं। हमें पूछ रहे थे कि खाना खाओगे और या फिर चाय लोगे, तो खाना खा के आए थे इसलिए हमने बोला चाय पियेंगे, तो चाय हमारे लिए बन रहा है अभी, और बीटू बन। तो देखो यहाँ हाथ धो के चलते हैं दोस्तों, वहाँ पे हाथ धो के इधर आपको पाँव धो के, और देखो कितना नीट एंड क्लीन है। मैं अपने लाइफ में ना फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गुरुद्वारा में, और ये बिटुपन आ चुका है अंदर। पहाड़ था वो, पहाड़ वो फट गया नीचे से, फटने के बाद बीच में से रास्ता बचता था, और नीचे आप जाओगे या पत्थर उससे पार करके नीचे तीन कुएँ बने हुए हैं, वो कुएँ में पत्थर निकालते हैं अलग अलग प्रकार के, अगर एक आते हैं पत्थर एक कलर के तो आप मन साफ। एक बार आप बता सकते यहाँ बता दी, यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे 15वीं सेंचुरी में। अच्छा। और उसके बाद वो जो उधर ब्रिज के पास जो पत्थर है वहाँ पर, हाँ, वो गुरु नानक देव जी भक्ति कर रहे थे। अच्छा। वो भक्ति करते करते ऊपर से पत्थर बालू ने पत्थर फेंक दिया था। अच्छा। और पत्थर जैसे ही गुरु नानक देव जी के साथ टच हुआ, उनके साथ जो उनके दो मित्र थे भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी, हाँ, जैसे ही उनके साथ टच हुआ तो जमीन से 15 फीट हाइट में हो गया था वो। अच्छा। अभी वहाँ पर उनके पगड़ियों के निशान बने हुए हैं। अच्छा। और उसके बाद भाई बालाजी ने गुरु नानक देव जी को बोला भी अभी हम स्नान करने के लिए कहाँ जाएंगे, रास्ता नहीं है यहाँ पर, तो बोले अपने आप रास्ता बन जाएगा। तो जो एक बड़ा सा पत्थर था वो बीच से फट गया था। अच्छा। वहाँ पर 1.5 फीट का रास्ता बना हुआ नीचे। अच्छा। जाने के लिए नदी में। अच्छा, अच्छा। और नदी में तीन कुएं हैं, और कुओं में अलग अलग प्रकार के पत्थर निकलते हैं, अगर तीनों में एक रंग के पत्थर निकलते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। अगर दो में वाइट निकलते हैं एक ब्लैक निकलता है तो मनोकामना आपकी टगमगा रही है। अच्छा। ऐसे मतलब बताते हैं इतिहास। हाँ, 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 हाँ। और उसके पास ही एक झरना है जहाँ से गुरु नानक देव जी चाइना की तरफ निकल गए। अच्छा। ये इसकी हिस्ट्री है। अच्छा, अच्छा। और इसको 1987-88 में फौज ने को ढूंढा था, डिस्कवर किया था, और उस टाइम यहाँ गुरुद्वारा साहब यहाँ पर बना था, और पत्थर वो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी इसलिए गुरुद्वारा साहब यहाँ पर बना दिया। अच्छा। और इसको फौज संभालती थी। अच्छा, अच्छा। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया हमारे भाई साहब ने, तो आपको पता चला अभी, तो यहाँ का जो कहानी है जो भी है मतलब सब कुछ आपको डिटेल्स में बताया उन्होंने, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चला है। तो मैं मत्थे टेक लेता हूँ पहले। तो गुरुद्वारा से हम निकल कर अभी यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, तो हम म्यूज़ियम की ओर चलते हैं अभी। ये इधर इसकी हिस्ट्री है ये गुरुद्वारा साहिब। अच्छा। एक गोल्डन टेंपल मॉडल बना हुआ है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो
क्योंकि अमृतसर में है, वहाँ पत्थर मोम का बन गया। अच्छा अच्छा, ले में ले लद्दाख में। अच्छा अच्छा, जयपुर का गोल्डन टेम्पल। ये गुरु तेग बहादुर जी ने, ये औरंगजेब ने जब वो कश्मीरी पंडित थे ना, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया था। हाँ, ये किताबों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, इसमें आता है। इनके बारे शायद शहीदी बाबा दीप सिंह जी के बारे में पढ़ा था। बाबा दीप सिंह जी, ये मतलब बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। मुगलों के लड़ते लड़ते इनका सिर कट गया था। और ये सिर कट के हाथ में पकड़ते ही लड़ते गए, और गोल्डन टेम्पल में इनकी जगह है, वहाँ से 15-20 किलोमीटर पीछे इनका शीश कट गया था। वहाँ लड़ते लड़ते गोल्डन टेम्पल में आके गिरे थे, वहाँ पर ये शहीद, वहाँ पर इनकी जगह बनी थी। जय भाई मतीदास जी हैं, इनको बोला गया था भी आप अपना धर्म चेंज कर लो, मतलब मुगलों ने, तो इन्हें धर्म ही चेंज किया था, तो इनको आरएसी बीच से काट दिया था। तो आपका मतलब बहुत किया था। हाँ, तो आपके समय में बहुत किया था। और जो सिख धर्म की जब स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये उनको अमृत छका रहे हैं, पहले छका था उन्होंने, फिर छकाया था उन्होंने। ये गुरु अर्जन देव जी, इनका भी ऐसे इनको तत्ती तबीब में ना, जिस जहाँ पर रोटी बनाते हैं उस पर बिठा दिया था मुगलों ने, तो और सिर पे इनके गर्म रेत डाल रहे थे उस टाइम। बाकी और तो ये भाई गुरदास जी हैं, इनके बहुत ज्यादा महत्ता है सिख धर्म में। इन्होंने जितना भी मतलब जो लिखा हुआ है सिख धर्म में वो सारा इन्होंने लिखा है। इनकी बहुत ज्यादा महत्ता है, इन्होंने हर चीज को, गुरु अर्जन देव जी ने मतलब इकट्ठी की है चीज को, इकट्ठी करने के बाद फिर इन्होंने वो उसको लिखे। आप गोल्डन टेम्पल में जाओगे आपको, वहां पर हाथ से लिखा हुआ इनका वो गुरु ग्रंथ साहिब। ये अपना अपना अमृतसर हो गया, गोल्डन टेम्पल के सामने ही है। और ये हो गया केसगढ़ साहिब, और ये हजूर साहिब, और अनंतपुर साहिब, और ये हो गया पटना साहिब। पांच तख्त हैं हमारे। अच्छा, सबसे बड़े स्थान पाँच हैं, पाँच हैं, जैसे पांच प्यारे हुए और पांच तख्त। लिखा है ना फाइव तख्त। घूम के हाँ पूरी हर अच्छा, ये आ गया मन चुका यहाँ पर, यहाँ गुरुद्वारा साहिब है, फिर टूटिंगा, फिर गैलरी आ गया, उसके बाद फिर ये पाशी घाट में आ गया, फिर इधर से जाते जाते चाइना को निकले हम यहाँ पर। यहाँ से फिर टूटिंग की तरफ गए थे, टूटिंग में भी है गुरुद्वारा साहिब, गैलिंग में भी है, पाशी घाट में तो है, और ये तवांग साइड में भी है गुरुद्वारा। उत्तराखंड में ना, ये उत्तराखंड में, ये पूरा है। अभी गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में कहाँ कहाँ घूमे हैं, पूरे वर्ल्ड का ये जहाँ जहाँ गए हैं, अरबिया, पर्सिया, तिब्बत। हवलदार कमलदीप जी ने काफ़ी कुछ हमें बताया है, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस गुरुद्वारा का रक्षा भी कर रहे हैं, साथ में हमारे भारत के इंडियन सोल्जर हैं, तो बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है मुझे। तो पहले मुझे पता नहीं था कि सोल्जर है, तो अभी जब पता चला तो और ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि देश के रक्षा के साथ साथ गुरुद्वारा का भी रक्षा कर रहे हैं। और आज मैं पहली बार गुरुद्वारा आया हूँ, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कमलदीप जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। है यहाँ का विजिटर बुक, कितने लोग आ चुके हैं अभी तक? अभी तक तो बहुत है यहाँ। अच्छा, सीरियल नंबर ऐसा नहीं है? सीरियल नंबर। अच्छा, चलो तो दोस्तों यहाँ से हम निकल चुके हैं, और गुरुद्वारा से हम निकल चुके हैं, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी का एक टेंपल है आगे, वो देखने के लिए। ऐसे ही जंगलों के बीच से तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है,
फाइनली पहुंच गए हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों फाइनली हम आ पहुंचे हैं हनुमान जी का यहाँ पे टेंपल है, और ये टेंपल खास इसलिए भी है क्योंकि पूरा इंडिया का चाइना इंडो चाइना बॉर्डर के पास है, और इस तरफ है चाइना, थोड़ा दूर जाएंगे तो इस तरफ ही है चाइना बॉर्डर। तो यहाँ का जो मेन खास बात है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या है कि हिल एरिया है, और मतलब ये पहाड़ है ना, यहाँ पे आपको जो ये पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ में हनुमान जी का एक पत्थर है जो हनुमान जी का जो मतलब फेस दिखेगा आपको वहाँ पे पत्थर पे। जी हाँ, पत्थर पे। तो मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा चेक करो और बताना। ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, इसी चीज़ को देखने के लिए और हनुमान जी का दर्शन करने के लिए पर्यटक जो है यहाँ पे आते हैं। तो मेचुका से ये तकरीबन कितना 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, तो मेचुका टाउन से ना 7 किलोमीटर दूर में है ये। तो रास्ता काफ़ी बढ़िया है, आपने देखा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस पहाड़ी में वो जिसके कारण हम आए हैं यहाँ पे। दोस्तों पहले तो आप ये पहाड़ देख लो, यहाँ पे कुछ यूनिक आपको दिखा कि नहीं दिखा आप बताओ पहले। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो गौर से आप देखो यहाँ पे। अब बताओ आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखिए हनुमान जी का जो बिल्कुल हनुमान जी का जो फेस है चेहरा है वही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऑसम है ये सचमुच, मतलब नेचर का ये देन है ना, बिलीव नहीं होता है। और काफ़ी सालों से है, आप देखिए काफ़ी सालों से है। अगर हो सकता वहाँ पे जंगल वगैरह हो के जो है ना ये मतलब जो फेस है वो ढक भी सकता था, लेकिन काफ़ी सालों से वहाँ पे जाके कोई मेंटेन तो नहीं करेगा। आप खुद ही सोच लो पहाड़ों के ऊपर में जाके कौन मेंटेन करेगा उसको। जैसा था पहले, हमने बहुत सारे YouTube में वीडियोस में देखा था, और आज भी ऐसा ही का ऐसा ही है। और यहाँ से ना ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी वहाँ से देख रहे हैं इस मंदिर की ओर, और वही रक्षा कर रहे हैं इस मंदिर का। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब यहाँ पे जो वाइब्स आ रहा है ना बिल्कुल वही आ रहा है। देखिए आप खुद देखो जो हनुमान जी वहाँ से देख रहे हैं इस मंदिर को, और वहाँ से जो है नज़र रख रहे हैं और अपने राम जी का नज़र रख रहे हैं वो। और साथ ही साथ जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, जो भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं, उनको भी वहाँ पे देख रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आप आज का इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे हेल्प कीजिए मेरे YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं इतना दूर जो आया हूँ ना केवल आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों के प्यार के लिए आया हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ इस चैनल पर मैं, तो होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे, जहाँ भी डेली जो ब्लॉग्स है उसको नहीं करने से भी हो जाएगा, लेकिन जो मैं घूमते जहाँ पे टूर एंड ट्रेवल का जो भी मतलब वीडियोस मैं दे रहा हूँ वो केवल आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर एक ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। बाय बाय। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई उत्षठ माया भी भयकारी राम कपीत सदाचारी पूर्ण धर्म स्थापना।